अब फिल्म की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं इसकी बैक स्टोरी बता देता हूँ कि आखिर ये मैट्रिक्स आया कहाँ से। तो कहानी शुरू होती 21वीं सदी की शुरुआत से, जब इंसानों ने AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके ह्यूमनॉइड्स को बना लिया था। ये ऐसे रोबोट्स होते थे जो इंसानों के जैसे दिखते थे और सोच समझ भी सकते थे। इन्हें इंसानों की मदद के लिए बनाया गया था, जो उनकी डेली लाइफ को आसान बनाया करते थे, जैसे इंसानों के कपड़े धोना और कार चलाना। अब इन रोबोट्स के होने की वजह से इंसानों को ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, जिससे वो आलसी और कमजोर होने लगे। फिर काफी साल बाद साल 2090 में एक रोबोट ने अपने मालकिन की जान ले ली, जिसके कारण उसे नष्ट करने की सजा सुनाई गई। पर उस रोबोट ने गुहार लगाई कि उसने ये सब सेल्फ डिफेंस के लिए किया था, जिस पर फिर कुछ इंसान रोबोट्स की साइड हो गए, क्योंकि उनके अंदर भी इंसानों जैसी फीलिंग्स थी। पर बाकी इंसान उसे सजा देना चाहते थे, क्योंकि कि वो कभी भी किसी रोबोट को इंसान जितना अधिकार नहीं दे सकते थे, जिस कारण बाकी रोबोट्स भी इंसानों के खिलाफ हो गए। पर इंसानों के जुडिशियल सिस्टम ने अपना फैसला नहीं बदला और आखिरकार उस रोबोट को नष्ट कर दिया गया, जिसने अपने मालिक की जान ले ली थी। इसके बाद बाकी रोबोट्स और उनका साथ देने वाले इंसानों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जिस पर यूनाइटेड नेशंस ने यह फैसला लिया कि सारे रोबोट्स को मार दिया जाएगा। इसलिए फिर सारे रोबोट्स और उनका साथ देने वाले इंसान एक अलग ही जगह रहने लगे, जिसे वो ग्राउंड जीरो कहा करते थे। वहां पर उन्होंने अपने साथी इंसानों की मदद से खुद को और भी डेवलप किया, जिसके बाद उन्होंने अपने दो रिप्रेजेंटेटिव्स को यूनाइटेड नेशंस में भेजा, पर इससे भी उनके बीच कोई शांति समझौता नहीं हो पाया। इसलिए आखिरकार इंसानों और मशीन्स यानी कि रोबोट्स की जंग शुरू हो गई, जिसमें रोबोट्स भारी पड़ने लगे। इस पर फिर इंसानों को लगा कि यदि हम आसमान से सूरज की रोशनी को धरती तक आने ना दे तो इन रोबोट्स को एनर्जी नहीं मिल पाएगी और ये मशीन्स बिना एनर्जी के खुद ब खुद ही बंद हो जाएंगे। इसलिए सारे देशों ने मिलकर ऑपरेशन डार्क स्टॉर्म चलाया, जिसके तहत आसमान को ऐसे पदार्थ से ढक दिया गया जिससे पृथ्वी पर सूरज की रोशनी नहीं आ सकती थी। पर रोबोट्स ने पहले से ही एक एक्स्ट्रा पावर सोर्स बना रखे थे, इसलिए वो अब भी इंसानों पर भारी पड़ रहे थे। इस पर फिर इंसानों ने न्यूक्लियर बॉम्ब का सहारा लिया, जिसका परिणाम ये निकला कि मशीन्स को तो कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, पर उनका साथ देने वाले बहुत से इंसान मारे गए, जिसके बाद रोबोट्स ने सेंटिनल फॉर्म ले लिया और इंसानों पर टूट पड़े, जिससे एक एक करके सभी देश घुटनों पर आ गए और आखिरकार रोबोट्स की जीत के साथ ये जंग समाप्त हुई। अब रोबोट्स का साथ देने वाले इंसानों ने उनसे विनती की कि उन्हें किसी वर्चुअल सिमुलेशन में प्लग कर दिया जाए, जिससे उन्हें यही लगे कि वो अब भी उस दुनिया में है जैसे दुनिया जंग से पहले हुआ करती थी। इसलिए फिर रोबोट्स ने मैट्रिक्स नाम का कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया, जो एक वर्चुअल वर्ल्ड था, जिसमें उन इंसानों को प्लग कर दिया गया। अब ऐसा होने से दो चीज हुई, पहला ये कि इंसान हमेशा के लिए सो गए और इसी वर्चुअल वर्ल्ड में जीने लगे, जहां उन्हें ये दुनिया बिल्कुल असली दुनिया की तरह लगने लगी। वहीं दूसरा फायदा ये हुआ कि स्लीपिंग स्टेट में होने के कारण इंसानी दिमाग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगा, जो इन रोबोट्स या मशीन के लिए जरूरी थी। इसके बाद फिर रोबोट्स ने पूरी दुनिया से इंसानों को पकड़कर पॉड में डाल दिया और उन्हें स्लीपिंग स्टेट में रखने लगे, और जब भी कोई इंसान मरता तो वो उसे लिक्विड बनाकर बाकी पॉड्स में भेज देते थे, जिससे इंसानों को उनका खाना मिल जाता और ये सिलसिला इसी तरह चलने लगा। यानी कि इन मशीन्स ने अब इंसानों की खेती करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब इंसान पैदा नहीं बल्कि पॉड्स में जनरेट किए जाने लगे। और इन्हीं इवेंट्स के बाद हमारी मूवी शुरू होती है, जो मैट्रिक्स के अंदर ही चलती है। तो मूवी की शुरुआत में हम कुछ पुलिस वाले को देखते हैं, जो किसी की तलाश में एक बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं, जहां एक कमरे में उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम ट्रिनिटी होता है। वो फिर उस पर गन पॉइंट करते हुए उसे अपना हाथ ऊपर उठाने को कहते हैं, और फिर वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। वहीं बिल्डिंग के बाहर एजेंट स्मिथ आता है, जो एक ऑफिसर से कहता है कि हमने तुम्हें कुछ आदेश दिए थे, जिस पर
पर वो ऑफिसर कहता है कि मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, पर फिर स्मिथ कहता है कि ये आदेश तुम्हारी सेफ्टी के लिए था, जिस पर फिर उस ऑफिसर को हंसी आ जाती है और फिर वो कहता है कि मेरी टीम एक लड़की से आसानी से निपट लेगी। इसके बाद एजेंट स्मिथ अपने साथी के साथ उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर लेफ्टिनेंट ऑफिसर कहता है कि मैंने पुलिस की 2 यूनिट्स को अंदर भेजा है जो उस लड़की को लेकर नीचे ही आते होंगे, जिस पर फिर स्मिथ कहता है कि तुम्हारे आदमी अब तक मर चुके होंगे। इधर बिल्डिंग के अंदर ट्रिनिटी उन पुलिस वालों को जान से मारकर मॉर्फियस को कॉल लगाती है और उससे बाहर निकलने का रास्ता पूछती है, जिस पर मॉर्फियस बताता है कि कुछ एजेंट्स उसकी तरफ आ रहे हैं। दरअसल एजेंट्स एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो असल इंसान नहीं है, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर बाकी सब तो इंसान का ही वर्चुअल रूप है, पर एजेंट्स ऐसे प्रोग्राम है जो मैट्रिक्स में होने वाली गड़बड़ी पर नजर रखते हैं और उन्हें ठीक करते हैं और ये कभी भी कहीं पे भी आ सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स के अंदर मौजूद इंसानों का वर्चुअल रूप कभी भी एजेंट्स में बदल सकता है। साधारण शब्दों में कहे तो एजेंट्स हर जगह है। इधर ट्रिनिटी से मॉर्फियस बताता है कि उसे यहाँ से निकलकर पास ही के लेक तक जाना होगा जहाँ एक टेलीफोन बूथ है। इस पर फिर ट्रिनिटी उस फोन बूथ की तरफ निकल पड़ती है जिसका पीछा कुछ पुलिस वाले करते हैं, जिनमें से एक ऑफिसर अचानक में एक एजेंट में परिवर्तित हो जाता है जो बाकी पुलिस वालों से काफी ज्यादा तेज होता है, पर ट्रिनिटी किसी तरह उससे बचकर टेलीफोन बूथ तक पहुंच जाती है और तभी एक ट्रक उस बूथ की तरफ बढ़ता है, पर इससे पहले कि वो उस बूथ को नष्ट कर पाए ट्रिनिटी उसके अंदर जाकर फोन कॉल रिसीव कर लेती है, साथ ही साथ ये ट्रक उस बूथ को तोड़ देता है, पर वहां ट्रिनिटी की लाश नहीं मिलती। और अब हम देखते हैं कि ट्रक को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि एजेंट स्मिथ है, जो बाकी एजेंट से कहता है कि ये लड़की भाग गई, जिस पर दूसरा एजेंट कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि लड़की भाग गई, जरूरी ये है कि जिस बंदे ने हमें खबर दी थी उसकी खबर पक्की है। वो आगे बताता है कि ट्रिनिटी और उसकी टीम किसी नियो नाम के बंदे की तलाश में है। यहाँ अब हम समझ पाते हैं कि किसी ने एजेंट्स को ट्रिनिटी के होने की खबर दे दी थी। दरअसल ट्रिनिटी रेजिस्टेंस ग्रुप की मेंबर है, जिस ग्रुप के बारे में हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ हम नियो को देखते हैं जो अपने कमरे में टीवी चलाकर सो रहा होता है और तभी उसके टीवी स्क्रीन पर वेक अप नियो का संदेश लिखकर आता है और उसी समय उसकी आंख खुलती है, जो वो देखकर एकदम हैरान हो जाता है और तभी दूसरा संदेश आता है कि व्हाइट रैबिट का पीछा करो। इतना करने के फिर तीसरा संदेश आता है कि कोई दरवाजा नॉक करेगा और फिर ठीक उसी समय उसका दरवाजा नॉक होता है, जो नियो का दोस्त चॉय होता है और वो कुछ लोगों के साथ वहाँ आया था। आगे हमें चॉय और नियो के बातों से पता चलता है कि नियो एक हैकर है जो चॉय के लिए काम किया करता है। चॉय फिर उसे अपने पार्टी में इन्वाइट करता है पर नियो मना कर देता है। इस पर फिर चॉय की गर्लफ्रेंड कहती है कि उसे वहाँ आना चाहिए। तब नियो देखता है कि चॉय की गर्लफ्रेंड के हाथ पर व्हाइट रैबिट का टैटू बना है, जो देखकर वो उसे पार्टी में आने को तैयार हो जाता है। अब अगले दिन वो पार्टी में जाता है जहां उसे ट्रिनिटी मिलती है और मॉर्फियस के बारे में बताती है, जिसका सिर्फ नाम ही नियो ने सुन रखा था। दरअसल मॉर्फियस भी नियो की तरह एक हैकर होता है जिसे हैकिंग की दुनिया का बादशाह माना जाता है। ट्रिनिटी फिर नियो को बताती है कि वो खतरे में है और उस पर नजर रखी जा रही है, इसलिए फिर नियो पूछता है कि उसे किससे खतरा है, जिस पर फिर ट्रिनिटी उसे कुछ भी साफ ना बताकर ये कहती कि नियो को एक सवाल के जवाब की तलाश है और इसी सवाल के जवाब की तलाश ट्रिनिटी को भी थी। वो पूछती कि क्या तुम्हें वो सवाल पता है, जिस पर नियो कहता है कि मैट्रिक्स क्या है। तब ट्रिनिटी कहती है कि इस सवाल का जवाब तुम्हें सही समय पर मिल जाएगा और ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर अगली सुबह हम नियो को उसके ऑफिस में देखते हैं जहां उसका बॉस उसे डांट लगाते हुए कहता है कि हमारी कंपनी दुनिया की टॉप सॉफ्टवेयर कंपनीज में से एक है और तुम्हें यहां सीरियस होकर काम करना होगा वरना तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। अब यहां हमें ये भी पता चलता है कि नियो का असली नाम एंडरसन है और वो हैकिंग के लिए नियो नाम का प्रयोग करता है। आगे हम नियो को उसके केबिन में देखते हैं जहां एक पार्सल आता है जिसके अंदर एक फोन मिलता है और जैसे ही नियो उस फोन को खोलता है उसमें
में तुरंत कॉल आने लगती है, जिसे रिसीव करने पर मॉर्फियस की सामने से आवाज आती है। जो खबर करता है कि कुछ लोग उसके पीछे लगे हैं, जो इस समय एलिवेटर के पास खड़े हैं, जिन्हें देख कर नियो घबरा जाता है। फिर मॉर्फियस उसे गाइड करते हुए एक रूम में ले जाता है, जिसकी खिड़की से होकर नियो नीचे आ सकता था, पर नियो इतनी ऊंचाई से डर जाता है, जिस कारण एजेंट्स उसे पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। जहां स्मिथ उससे मॉर्फियस के बारे में पूछता है, जिस पर नियो उसे कुछ भी नहीं बताता और कॉल करने के लिए अपना फोन मांगता है। जिस पर फिर स्मिथ कहता है कि जब तुम्हारे पास मुंह ही नहीं रहेगा तो तुम कॉल करके बोलोगे क्या, और उसके ऐसा कहते ही नियो का मुंह गायब हो जाता है। इसके बाद दो एजेंट्स नियो को पकड़कर टेबल पर लिटा देते हैं और स्मिथ उसके शरीर में किसी तरह की डिवाइस डाल देता है, जिसके बाद उसकी नींद उसके बिस्तर पर खुलती है और उसे लगता है कि ये सब सिर्फ एक सपना था। पर तभी उसके फोन की घंटी बजती है, जिसे उठाने पर उसकी बात मॉर्फियस से होती है, जो उसे एडम स्ट्रीट ब्रिज के पास बुलाता है, जहां जाने पर नियो को ट्रिनिटी मिलती है, जो उसे कार में बिठा लेती है। अब कार में दो लोग और होते हैं, जिनमें से एक लड़की नेम स्विच नियो पर बंदूक तान देती है। इस पर फिर ट्रिनिटी कहती है कि ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए जरूरी है। फिर स्विच नियो को उसकी शर्ट उतारने को कहती है, जिस पर वो पहले तो नहीं मानता, पर ट्रिनिटी के समझाने पर वो शर्ट उतार देता है। और तब ट्रिनिटी एक मशीन के मदद से नियो के अंदर लगे डिवाइस को निकाल देती है, जिसके बाद वो सभी एक बिल्डिंग में जाते हैं, जहां पहुंचकर ट्रिनिटी नियो से कहती है कि मॉर्फियस तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है, इसलिए उससे कोई भी बात मत छिपाना। फिर थोड़ी देर बाद नियो मॉर्फियस से मिलता है, जो नियो से काफी सारी बात करने के बाद मैट्रिक्स का जिक्र करता है और रिवील करता है कि मैट्रिक्स हर जगह है, इस कमरे में और इसके बाहर भी, यहाँ तक कि पूरी दुनिया ही मैट्रिक्स है। वो आगे ये भी रिवील करता है कि मैट्रिक्स वो है जो हम लोगों से सच छिपाता है, जिस पर फिर नियो सवाल करता है कि कैसा सच, जिस पर फिर मॉर्फियस कहता है कि तुम एक गुलाम हो नियो, तुम्हारे आसपास की दुनिया में सभी गुलाम है, तुम दरअसल ऐसे कैद में हो जो तुम्हारे दिमाग के लिए बनाई गई है। जो ऐसा कहने के बाद वो नियो को दो कैप्सूल दिखाता है, जिसमें से एक ब्लू तो दूसरी रेड कैप्सूल होती है। मॉर्फियस अब कहता है कि अगर तुम ब्लू कैप्सूल चुनते हो तो अपनी जिंदगी इसी तरह बिता सकते हो, पर यदि तुमने रेड कैप्सूल चुना तो तुम्हारा सामना सच्चाई से होगा। इस पर फिर नियो बहुत सोचने के बाद रेड कैप्सूल को निगल लेता है, जिसे खाने के बाद नियो को एक रूम में ले जाया जाता है, जहां उसके सामने एक आईना होता है, जिसे नियो छू लेता है, और ऐसा करते ही वो आईना उसके हाथ पर चिपक जाता है और फिर धीरे धीरे उसे कवर कर लेता है। फिर बैकग्राउंड में हम मॉर्फियस की आवाज सुनते हैं कि इसे जल्द से जल्द ट्रैक करो, जिसके बाद नियो की आंख खुलती है और वो खुद को एक पॉड में पाता है, जहां उसके पूरे शरीर में काफी ट्यूब लगी होती हैं और उसके आसपास लाखों लोग पॉड्स में सो रहे होते हैं। फिर तभी एक मशीन उसके पास आती है, जो उसे गले से पकड़ लेती है, और ऐसा होने से नियो के शरीर में लगी ट्यूब्स खुद ब खुद निकलने लगती है और फिर वो फ्लश होकर पानी में गिर पड़ता है, जहां से उसे मॉर्फियस की टीम बाहर निकालती है और फिर वहां से वो लोग नियो को कुछ दिनों तक लाइफ सेविंग मशीन्स पर रखते हैं, जहां नियो कहता है कि उसकी आंखें जल रही है। इस पर फिर मॉर्फियस बताता है कि नियो ने कभी अपनी आंखों का प्रयोग नहीं किया, इसलिए उसकी आंखें जल रही है। फिर कुछ दिन बाद मॉर्फियस नियो के पास आता है, जिससे नियो सवाल करता है कि ये कौन सी जगह है, जिसके जवाब में मॉर्फियस उसे बताता है कि ये साल 2199 के आसपास का समय है और हम दरअसल पृथ्वी पर हैं। फिर वो नियो को लेकर अपनी टीम से मिलवाता है, जिसमें ट्रिनिटी, एपॉक, स्विच, साइफर, टैंक, डोजर और मूस होते हैं। तब मॉर्फियस नियो को एक चेयर पर बैठने को कहता है और फिर ट्रिनिटी किसी डिवाइस को उसके सिर के पीछे बने प्लग में लगा देती है, जिससे नियो कंस्ट्रक्ट नाम की जगह पर पहुंच जाता है। दरअसल कंस्ट्रक्ट भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही है, जिसमें जाकर रेजिस्टेंस ग्रुप के लोग किसी भी तरह के हथियार या अन्य जरूरी सामान लेकर मैट्रिक्स में जा सकते हैं, यानी कि ये भी
भी मैट्रिक्स की तरह एक सिमुलेशन ही है। इसके बाद मॉर्फियस नियो को टीवी में 20वीं सदी की दुनिया दिखाकर कहता है कि तुम्हें लगता है कि हम इस दुनिया में रहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हमारी दुनिया इससे बिल्कुल अलग है। जिसके बाद हम नियो और मॉर्फियस को ऐसी दुनिया में देखते हैं जहाँ सब कुछ तबाह हो चुका था और वहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं आ रही थी। साथ ही साथ मॉर्फियस नियो से मशीन और इंसानों की जंग के बारे में बताता है कि उसे ये तो नहीं पता था कि जंग की शुरुआत किसने की, पर ये जरूर पता है कि आसमान को हमने ढक दिया, क्योंकि उस समय पर मशीन्स या रोबोट सूरज की रोशनी से एनर्जी पाते थे। लेकिन ये अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ये मशीन्स हम इंसानों को एनर्जी सोर्स की तरह प्रयोग करती है, और ये मैट्रिक्स कुछ और नहीं बल्कि एक ड्रीम वर्ल्ड है जो मशीन्स को हम पर कंट्रोल करने में मदद करता है, और ये मशीन्स हमें बैटरी की तरह इस्तेमाल करती है। अब ये देखकर नियो को बड़ा धक्का लगता है और वो तुरंत कंस्ट्रक्ट से बाहर आने की जिद करता है, जिस पर ट्रिनिटी उसकी सर के पीछे का प्लग निकालकर वापस लाती है। आगे फिर हम नियो को एक कमरे में देखते हैं जहां मॉर्फियस आकर उस इंसान के बारे में बताता है जो सबसे पहले इस मैट्रिक्स से बाहर आया था और उसी ने बाकी लोगों को जगाकर रेजिस्टेंस ग्रुप बनाया। मॉर्फियस बताता है कि वो इंसान मैट्रिक्स के रूल से बंधा नहीं था और वो मैट्रिक्स को मैनिपुलेट कर सकता था, पर उसकी मौत के बाद ओरेकल नाम की भविष्यवक्ता ने बताया कि वो फिर से जन्म लेगा जो मैट्रिक्स को नष्ट करके सभी इंसानों को आजाद करवाएगा, क्योंकि जब तक ये मैट्रिक्स है तब तक इंसान इस नकली दुनिया से बाहर नहीं निकल सकते। दरअसल मॉर्फियस के मुताबिक नियो ही वो शख्स है जिसे ये लोग द वन के नाम से बुलाते हैं। अब अगले दिन हम टैंक को नियो के पास देखते हैं, जिसे देखकर नियो उससे पूछता है कि तुम्हारे शरीर में कोई छेद और प्लग्स क्यों नहीं है, जिस पर टैंक बताता है कि वो और उसके भाई डोजर ने मैट्रिक्स के बाहर जन्म लिया है। साथ ही साथ वो जियोन शहर का जिक्र भी करता है जो इंसानों का आखिरी शहर है, और ये वही जगह है जहाँ ये लोग छिपकर रहते हैं क्योंकि बाहर जाने पर मशीन्स इन्हें अपना शिकार बना लेंगी। फिर वो नियो को अपने साथ ले जाता है और उसके सिर के पीछे प्लग लगाकर कुंग फू, बॉक्सिंग, कराटे और भी बहुत सी फाइटिंग स्किल्स के प्रोग्राम डाल देता है, जिसके बाद नियो की ट्रेनिंग शुरू होती है जिसमें वो मॉर्फियस से लड़ता है, लेकिन मॉर्फियस उसे आसानी से हर बार हरा देता है। तब मॉर्फियस समझाता है कि नियो को अपने माइंड को फ्री करना होगा तभी वो मैट्रिक्स को कंट्रोल कर सकेगा, इसलिए फिर वो इसी के साथ टैंक को जंप प्रोग्राम लोड करने को कहता है, जिसके लोड होते ही नियो खुद को मॉर्फियस के साथ बहुत ऊंची बिल्डिंग पर पाता है, जिस बिल्डिंग से जंप लगाकर मॉर्फियस दूसरी बिल्डिंग तक पहुंच जाता है और वो नियो को भी ऐसा करने को कहता है, पर नियो का माइंड पूरी तरह से फ्री नहीं होता, इसलिए वो जंप करने के बाद बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है और सीधा जमीन पर आकर गिरता है, जिसका थोड़ा असर उसके साथ असल दुनिया में भी होता है जहां नियो के मुंह से हल्का खून निकल आता है। इस पर फिर वो मॉर्फियस से कहता है कि मुझे लगा कि ये सब सच नहीं है, जिसके जवाब में मॉर्फियस कहता है कि तुम्हारे दिमाग ने इसे सच बनाया। इसलिए फिर नियो सवाल करता है कि यदि कोई मैट्रिक्स में मर गया तो क्या वो असल दुनिया में भी मर जाएगा। इस सवाल के जवाब में मॉर्फियस कहता है कि बिना दिमाग का शरीर जिंदा नहीं रह सकता, यानी कि मैट्रिक्स में अपनी मौत होने से आपका दिमाग मर जाएगा और आप भी असल में नहीं जिंदा बचोगे। वहीं अगले सीन में ट्रिनिटी नियो के लिए खाना लाती है जो देखकर सीफर को जलन होती है, जिसके बाद मॉर्फियस नियो को एजेंट्स के बारे में बताता है। वहीं अब आगे डोजर देखता है कि कुछ सेंटिनल मशीन्स उनकी तलाश में उनके इलाके तक आ गए हैं, जो देखकर मॉर्फियस अपनी शिप को हाइड करने को कहता है, इसलिए फिर अंदर की सारी लाइट्स बंद कर देता है जिससे वो सेंटिनल मशीन्स उन लोगों को नहीं ढूंढ पाते और फिर वो वहां से वापिस चले जाते हैं। इसके बाद फिर हम सीफर को एजेंट स्मिथ के पास देखते हैं जो ये कहता है कि मुझे पता है कि ये दुनिया असली नहीं है, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि असल दुनिया रहने लायक नहीं है। इसलिए फिर वो स्मिथ से एक सौदा करता है कि वो उसे मॉर्फियस और द वन तक पहुंचाएगा, बदले में उसकी सारी याददाश्त मिटाकर वापस से पॉड्स में डाल दिया जाए और फिर उसे इस दुनिया में एक फेमस और अमीर इंसान की जिंदगी दी जाए, जो सारी शर्तें एजेंट स्मिथ मान लेता है।
अब वहीं इन सब के बाद रेजिस्टेंस ग्रुप के लोग नियो को ओरेकल से मिलवाने मैट्रिक्स में जाते हैं, जहां जाते ही सीपर चोरी से अपने फोन को डस्टबिन में फेंक देता है। दरअसल इन फोन्स के जरिए ये लोग असल दुनिया में मौजूद टैंक और डोजर से संपर्क करते थे, जो उन्हें कॉल करके मैट्रिक्स से बाहर बुला लेते थे। और अब हम यहाँ समझ पाते हैं कि शुरुआत में फोन बूथ में कॉल आने पर ट्रिनिटी कैसे गायब हो गई थी। इधर ओरेकल के घर पहुंचकर नियो देखता है कि वहाँ कुछ छोटे बच्चे मैजिक ट्रिक्स कर रहे हैं, और एक बच्चा चम्मच को देखकर ही मोड़ देता है। फिर वो नियो को चम्मच देते हुए कहता है कि बस सोचो कोई चम्मच है ही नहीं, जिस पर फिर नियो बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो चम्मच को मोड़ देता है। तभी फिर एक महिला आकर नियो को ओरेकल के पास जाने को कहती है, जिसके बाद नियो ओरेकल से मिलता है, जो बताती है कि मॉर्फियस ये दिल से मानता है कि तुम ही द वन हो और वो तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दांव पर भी लगा सकता है। जिस पर फिर नियो उससे पूछता है कि क्या वो ही द वन है, जिसके जवाब में ओरेकल कहती है कि वो द वन नहीं है। जिसके बाद सभी उसी बिल्डिंग में वापस आते हैं, जिस बिल्डिंग के जरिए उन लोगों ने मैट्रिक्स में प्रवेश किया था, जहां स्विच और एपॉक पहरा दे रहे थे। अब अंदर जाने पर नियो एक बिल्ली को देखता है जो दरवाजे के पास से गुजरती है, जिसकी तुरंत बाद फिर वही बिल्ली दरवाजे के पास से गुजरती है, जो देखकर नियो कहता है कि ये तो डेजा वू है। पर फिर ट्रिनिटी बताती है कि मैट्रिक्स के अंदर डेजा वू तभी होता है जब मैट्रिक्स में कोई परिवर्तन किया जाए। दूसरी तरफ टैंक मूस को कॉल करके बताता है कि मैट्रिक्स में अभी भी कुछ बदलाव हुए हैं, इसलिए वो उन्हें वहां से निकलने को कहता है। जिसके बाद फिर मूस देखता है कि दरवाजे की जगह अब दीवारें हैं। फिर तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है, जो मूस को गोलियों से भून देती है, इसलिए फिर वो मैट्रिक्स के अंदर मारा जाता है, जिस कारण असल जिंदगी में भी उसकी मौत हो जाती है। इधर बाकी लोग किसी तरह दीवारों के पीछे छिपे हुए नीचे की तरफ आने लगते हैं, लेकिन फिर सीपर को छींक आ जाती है, जिससे एक पुलिस वाले को पता चल जाता है कि वो सब दीवार के पीछे हैं, इसलिए फिर वो उन पर अंधाधुंध गोली चलाने लगते हैं। पर तभी अचानक से वो पुलिस वाला एक एजेंट में बदल जाता है, जो दीवार तोड़कर नियो को पकड़ लेता है, लेकिन मॉर्फियस नियो को बचाने के लिए उस एजेंट पर टूट पड़ता है और बाकी सभी को नियो को लेकर जाने को कहता है, और उन सभी को ऐसा करना ही पड़ता है। वहीं अब मॉर्फियस और स्मिथ की घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें स्मिथ मॉर्फियस को बुरी तरह घायल करके पुलिस से पकड़वा देता है, जबकि इस तरफ सीफर टैंक को कॉल करके मैट्रिक्स से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ ट्रिनिटी, नियो, स्विच और एपॉक एक टेलीफोन के पास पहुंच जाते हैं, जिस पर टैंक की कॉल आती है, और इससे पहले कि वो उन्हें मैट्रिक्स से बाहर निकाल पाए, सीफर टैंक पर इलेक्ट्रिक वेव से हमला कर देता है, जो देखकर डोजर सीफो को मारने जाता है, लेकिन सीफर उसे भी इलेक्ट्रिक वेव से मार देता है। फिर वो ट्रिनिटी से बात करता है और बताता है कि अगर मॉर्फियस ने उसे पहले ही बताया होता कि बाहर का दुनिया कैसी है, तो वो रेड कैप्सूल नहीं लेता। पर ट्रिनिटी उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैट्रिक्स एक नकली दुनिया है, जिस पर फिर सीफर कहता है कि मैट्रिक्स की दुनिया असल दुनिया से भी ज्यादा रियल है, और फिर वो ऐसा कहकर एपॉक का प्लग निकाल देता है, जिससे वो वहीं मारा जाता है। इसी तरह वो स्विच को भी मार देता है, जिसके बाद वो नियो की तरफ बढ़ता है और कहता है कि यदि नियो ही द वन है तो वो किसी चमत्कार के द्वारा बच जाएगा, और ऐसा कहकर वो नियो का प्लग निकालने ही जाता है कि तभी टैंग उसे इलेक्ट्रिक वेव से मार देता है। दरअसल डोजर तो मारा गया था, लेकिन टैंग अब भी जिंदा था, और फिर वो उन दोनों यानी कि ट्रिनिटी और नियो को मैट्रिक्स से बाहर लाता है। अब बाहर आकर नियो प्लान बनाता है और मॉर्फियस को बचाने के लिए फिर से मैट्रिक्स में प्रवेश करता है, जहां उसके साथ ट्रिनिटी भी होती है, लेकिन इस बार वो लोग अपने साथ बहुत सारे हथियार ले जाते हैं, जिनकी मदद से वो बहुत से पुलिस वालों को मारकर उस बिल्डिंग में घुसते हैं जहां पर मॉर्फियस को रखा था। दरअसल एजेंट स्मिथ ने मॉर्फियस को इसलिए जिंदा रखा था जिससे वो उसके जरिए जियोन शहर का पता लगा सके, लेकिन तब तक ट्रिनिटी और नियो हेलीकॉप्टर से मॉर्फियस को बचाने आ जाते हैं, और फिर वो उसे कैसे तो लंबी घमासान लड़ाई के बाद बचाकर एक
सबवे स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, जहां लगे टेलीफोन बूथ की मदद से मॉर्फियस मैट्रिक्स से बाहर आ जाता है, जिसे ऐसा करते गरीब देख लेता है। फिर ट्रिनिटी भी टेलीफोन की मदद से मैट्रिक्स से बाहर आ जाती है, पर तब तक वो गरीब स्मिथ में परिवर्तित हो जाता है और गोली चलाकर टेलीफोन को तोड़ देता है, जिस कारण नियो मैट्रिक्स में ही फंसा रह जाता है। इस पर फिर वो स्मिथ का सामना करने की सोचता है, पर उससे लड़ने पर वो उस पर भारी पड़ जाता है। फिर तभी वहाँ ट्रेन की आने की आवाज आती है, इसलिए स्मिथ नियो को ट्रेन के ट्रैक्स पर ले जाता है और फिर उसे मिस्टर एंडरसन करके बुलाता है, जिस पर नियो कहता है कि मेरा नाम एंडरसन नहीं नियो है, और ऐसा कहकर वो स्मिथ को ही ट्रैक पर गिरा देता है और खुद ट्रेन से बच जाता है। पर फिर हम देखते हैं कि ट्रेन के रुकने पर स्मिथ आसानी से बाहर आता है, पर भागे से तब तक नियो दूसरे टेलीफोन बूथ की तलाश में निकल पड़ता है, जो किसी बिल्डिंग के एक कमरे में होता है। वहीं इस तरफ असल दुनिया में कुछ सेंटिनल मशीन मॉर्फियस की शिप तक पहुंच जाती है, जो उसकी शिप को लेजर से काटने लगती है। दूसरी तरफ नियो जैसे ही टेलीफोन वाले कमरे के दरवाजे को खोलता है, स्मिथ उसे गोली मार देता है, जो फिर अपनी स्क्रीन पर देखकर ट्रिनिटी नियो के शरीर के पास जाकर कहती है कि ओरेकल ने बताया था कि द वन से ही मुझे प्यार होगा और मुझे सच में तुमसे प्यार है, जो ऐसा कहकर वो उसे किस कर लेती है। इधर मैट्रिक्स में नियो एजेंट से काफी देर लड़ने के बाद अब मर चुका था, लेकिन उसका दिमाग अब भी जिंदा था, जो ट्रिनिटी की बातों को सुन सकता था, जिसके बाद नियो चमत्कार से फिर से जिंदा हो जाता है, जिस पर फिर तीन एजेंट्स अंधाधुन गोलियां चलाते हैं। पर अब वही चमत्कार घटता है जिसका मॉर्फियस को इंतजार था, क्योंकि नियो ने अब अपनी शक्ति को पहचान लिया था और अब वो अपना माइंड फ्री करके उन गोलियों को हवा में ही रोक देता है, जो देख गुस्सेल एजेंट स्मिथ नियो पर टूट पड़ता है, लेकिन नियो उसके हर वार को आसानी से मात दे देता है और फिर आखिर में उसके ही शरीर में घुसकर स्मिथ को अंदर से नष्ट कर देता है, जो देखकर बाकी के दो एजेंट्स वहां से भाग जाते हैं। वहीं असल दुनिया में मॉर्फियस के शिप में सेंटिनल मशीन्स घुसने लगते हैं, लेकिन वो लोग उन मशीन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें बिजली की जरूरत थी, जो बिजली नियो को मैट्रिक्स से बाहर निकालने के लिए जरूरी थी, और यदि वो लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस दौरान इस्तेमाल करते तो नियो की मशीन डिस्कनेक्ट हो जाती और वो भी स्विच और एपॉक की तरह मारा जाता। पर फिर इसके बाद हम नियो को असल दुनिया में होश में आते देखते हैं, और ऐसा होते ही टैंक उन वेव्स को रिलीज कर देता है, जिससे सेंटिनल मशीन्स भयंकर झटके के कारण खराब होकर गिर पड़ती हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में हम नियो को फिर से मैट्रिक्स में देखते हैं, जिसके बाद ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर बात करें कि नियो गोली लगने के बाद भी कैसे जिंदा हो गया, तो इसका जवाब मूवी में ही बताया गया है कि उसका दिमाग पूरी तरह से नहीं मरा था और मैट्रिक्स में उसके शरीर के मरने पर वो मैट्रिक्स के प्रोग्राम से अलग हो गया, और अलग होने की वजह से मैट्रिक्स के रूल्स उस पर काम नहीं कर सकते थे, जिस कारण वो द वन बन गया, और यही वजह है कि उसने बड़ी ही आसानी से एजेंट स्मिथ को हरा दिया। वहीं आई नो कि ये मूवी बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है, जिसके जवाब इसके आगे के पार्ट्स में बताए गए हैं, जिन्हें मैं जल्दी एक्सप्लेन करूंगा। और आज के वीडियो में इतना ही, आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।